पीएम आवास में मनेगी धनतेरस। पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान एमपी के 4 लाख परिवारों को कराएंगे गृह प्रवेश। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख से अधिक हितग्राहियों को शनिवार को धनतेरस पर आशियाने की सौगात मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें गृह प्रवेश कराएंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल जुड़ेंगे। इस मौके पर मोदी ने लाभार्थियों से बात भी करेंगे। योजना के तहत प्रदेश भर में इस वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से अब तक 4,51,000 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का निर्माण हुआ। सतना जिले में 24,466 आवास गृह प्रवेश के लिए तैयार किए गए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया दोपहर 2:30 बजे सतना पहुंचे। सीएम यहां पीएम मोदी की वर्चुअल मौजूदगी में हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाएंगे। इसके अलावा सतना को कई और विकास कार्यों की सौगात देंगे। सतना जिले में 24,466 आवासों में धनतेरस पर गृह प्रवेश हुआ। इसमें अमरपाटन के 2960, मैहर के 4,691, मझगमा के 3,315, नागौद के 3,266, रामनगर के 1,839, रामपुर बघेलान के 3,709, सतना सोहावल के 2,453 और उचेहरा विकास खंड के 2,233 नवनिर्मित आवास शामिल हैं। सीईओ जिला पंचायत डॉक्टर परीक्षित झाड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक स्वीकृत आवास में 1,214 आवास कंप्लीट हो चुके हैं। योजना के तहत 2016-17 से 2021-22 तक 1,28,050 आवासों का लक्ष्य रखा गया था। इनमें 1,27,345 आवास हितग्राहियों को स्वीकृत किए जा चुके हैं। 1,26,939 आवासों की प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है। स्वीकृत आवासों के विरुद्ध प्रथम किस्त जारी आवासों का प्रतिशत 99.68 है। इन स्वीकृत आवासों में अब तक 1,214 आवासों का निर्माण कर पूरा किया गया है। बाकी स्वीकृत आवासों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इनमें अप्रैल 2022 में 1,966 आवास, मई 2022 में 3,258 आवास, जून में 2,912, जुलाई में 4,816, अगस्त माह में 3,994, सितंबर 2022 में 4,106 और 20 अक्टूबर तक अक्टूबर माह में 3,416 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास पूर्ण किए गए हैं। वहीं विकास खंड स्थित में जनपद अमरपाटन में अब तक 11,713 आवास, मैहर में 18,650, मझगवा में 14,171, नागौद में 11,944, रामनगर में 9,029, रामपुर बघेलान में 13,724, सोहवाल सतना में 10,411 और उचेहरा विकास खंड में 10,572 आवास पूर्ण किए गए हैं। जिले में पूर्ण आवासों का प्रतिशत स्वीकृत आवासों में 78.26% है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।